नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके महात्मा जी में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर पार्ट 14। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चलिए देखते हैं आपके कितने सही जवाब बनते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने भारत में किसानों के लिए रैतु बंधु योजना शुरू की है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स एशिया 2018 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए एनबीए अकेडमी इंडिया। नेक्स्ट, एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप के पहले दिन 40 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं। ऑप्शन सी रोहिणी एस मोहिते। दोस्तों इसे आप अपना एक रियल टेस्ट समझिए और आपके जितने भी सही जवाब बनते हैं काउंट करके हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट, किस एयरोस्पेस कंपनी ने सबसे शक्तिशाली फाल्कन 9 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन बी स्पेस एक्स। दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी है जिन्होंने फाल्कन 9 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है जो कि सबसे शक्तिशाली रॉकेट है अभी तक का। नेक्स्ट, किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण 3 पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी है? ऑप्शन डी नेपाल। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुण 3 पनबिजली परियोजना की आधारशिला नेपाल के अंदर रखी है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के उस जहाज का नाम बताएं जिसे मालद्वीप में ईजेडी की संयुक्त निगरानी के लिए तैनात किया गया है? ऑप्शन ए आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा। नेक्स्ट, वह शहर जहां भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया? ऑप्शन डी हैदराबाद तेलंगाना। देखिए 10 मई 2018 को जनसेना पार्टी के संस्थापक और अभिनेता पवन कल्याण ने हैदराबाद के तेलंगाना में देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया। इस ध्वज की लंबाई 122 फीट है। इससे पहले देश का सबसे बड़ा ध्वज भारत पाक अटारी बॉर्डर पर स्थापित किया गया था जिसकी लंबाई 120 फीट थी और चौड़ाई 80 फीट थी। नेक्स्ट, वह शहर जहां अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया गया? ऑप्शन बी ईटानगर। नेक्स्ट, वह देश जिसने ईरान परमाणु समझौता 2015 से अलग होने का फैसला किया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, किस राज्य में दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी चट्टान खोजी गई है? ऑप्शन बी ओडिशा। और दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान सबसे पहले कनाडा में खोजी गई थी। नेक्स्ट, उस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी का नाम बताएं जिनका हाल ही में 80 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन सी राजेंद्र पाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय व्यक्तित्वों में से कौन फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है? ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और पहले स्थान पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी हैं। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य लड़कियों के लिए 31 सरकारी कॉलेज शुरू करेगा? ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए किस देश ने सफलतापूर्वक नया उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट, निम्न में से किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट में $16 अरब की कीमत की 70% हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन डी वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने $16 अरब में 70% हिस्सेदारी खरीद ली किसकी? फ्लिपकार्ट की। नेक्स्ट, 8 मई 2018 को निकोल पर्शिनॉन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए?
ऑप्शन बी आर्मेनिया। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जो राज्य दुग्ध उत्पादकों को 3 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रथम पारिस्थितिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन बी राजौरी। देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी में पारिस्थितिकी पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कार्टूनिस्ट दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए 5 मई। देखिए, विश्व कार्टूनिस्ट दिवस प्रतिवर्ष 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वह राज्य जहां स्टार खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, वह राज्य जहां गो टू विलेज मिशन का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन ए मणिपुर। दोस्तों, ये करंट अफेयर की हमारी पूरी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम 15-16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हर वीडियो में 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जैसे ही 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या फिर इस वीडियो के एंड पे वो डिस्प्ले पे शो होंगी, वहां से आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, वह विश्वविद्यालय जहां के वैज्ञानिकों ने एक चंद्र उल्कापिंड में मोगानाइट नामक खनिज की खोज की है। ऑप्शन बी तोहोकू विश्वविद्यालय। दोस्तों, तोहोकू विश्वविद्यालय जापान में है। नेक्स्ट, 15वें एशियाई मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट, डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें ताकत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी नवीनतम बैडमिंटन रैंकिंग में भारत के किस पुरुष खिलाड़ी को 3रा स्थान मिला है। ऑप्शन बी किदंबी श्रीकांत। नेक्स्ट, स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सैन्य खर्चकर्ताओं की सूची में किस स्थान पर है। ऑप्शन बी 5वां, भारत 5वें स्थान पर है, और इस दौड़ में पहले स्थान पर है अमेरिका। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टीम के कोच के रूप में नियुक्त किए गए पूर्व खिलाड़ी का नाम बताएं। ऑप्शन ए जस्टिन लेंगर। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी महिला को अमेरिका में अंतरिम सिविल कोर्ट जज नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए दीपा आंबेकर। नेक्स्ट, वह देश जिसके सहयोग से हिंद महासागर क्षेत्र में वरुण नौसेना अभ्यास 2018 का आयोजन किया गया। ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों, अब आपको मिलता है एक चैलेंज, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका सही सही जवाब हमें जरूर बताएंगे। देश के प्रथम वन धन विकास केंद्र की स्थापना की गई। ऑप्शन मिल रहे हैं, सही जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो के बारे कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो, तो प्लीज कॉमेंट्स कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। डिस्प्ले पे जो 2 वीडियो हो रही, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है।